Hi, good evening to all my viewers. This is Shivani Kapoor and you're watching Cricket Maiden. So in this video, we are going to talk about all the cricket news and updates jo cricket ki duniya mein ho rahe hain and iske ilawa aur bhi sporting updates ho rahe hain because Paris Olympics chal rahe hain and usme India ki performance ट्रैक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो आप वीडियो के एंड में, नॉट एट द स्टार्टिंग, वीडियो के एंड में जाके लिख सकते हैं. सो सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्रिकेट मैचेस एंड देन आई एम गोइंग टू गिव यू पेरिस ओलंपिक अपडेट्स. तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब तक आपको ये वीडियो मिलेगी तब तक इंडियन लड़कियां विल बी रेडी टू टेक ऑन द श्रीलंकन वुमेन इन द एशिया कप फाइनल. तो भाई एशिया कप फाइनल 3 बजे है, इट्स नॉट एट 7 PM, इट्स एट 3 PM एंड आप 3 बजे से हमारे इंडियन लड़कियों को इन एक्शन देख सकते हैं दाम्बूला में, वे दे विल टेक ऑन होस्ट श्रीलंका. तो भाई चमीरा अट्टुपट्टु से आपको थोड़ा बच के रहना पड़ेगा एंड आवर ओपनर्स एंड आवर बोलर्स हैव टू स्टैंड टॉल इन द फाइनल डे. तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट दिन है आज. वैसे इंडियन लड़कियों का बहुत ही फैंटास्टिक रन रहा है टू द फाइनल्स. दे हैव नॉट फॉल्टर्ड एनीवेयर, दे हैव नॉट, ऐसा लग भी नहीं रहा है कि कहीं भी उनको कहीं चैलेंज फील हो रहा हो. तो भाई एक तरफ से वन साइडेड मैचेस ये जीत रहे, चाहे वो पाकिस्तान हो या वो बांग्लादेश हो या वो कोई भी नेपाल हो, कोई भी टीम हो, उनको वन साइडेड इंडियन गर्ल्स ने हराया है. सो बट यू नो थोड़ा सा स्मृति मंधाना एंड जो शेफाली वर्मा हमारी ओपनर्स हैं उन दोनों का फाइनल में रिकॉर्ड थोड़ा सा एवरेज है. तो थोड़ा सा वो घबरा सी जाती है, थोड़ा सा डर सी जाती है, बट यू नो अब फाइनल आ गया है. दे हैव रीच, दे हैव कमांडेड द इंटायर एशिया कप. अब पूरे कंट्री को उनसे उम्मीदें हैं, पूरी कंट्री उनको बैक कर रही है टू लिफ्ट द ट्रॉफी. तो भाई मेंस में भी एशिया कप जो है वो मेंस का भी इंडिया ने उठाया था एंड ऑब्वियसली वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम इन एशिया एंड वी वॉन्ट द इंडियन वुमेन टू लिफ्ट द एशिया कप एज वेल. तो ऑल द बेस्ट टू टीम इंडिया फॉर द एशिया कप फाइनल टुडे. तो आज रात को जो लाइव सेशन होगा उसमें हम एशिया कप की सारी बातों की डिस्कशन करेंगे. तो जो भी आपके पॉइंट्स एंड ओपिनियंस हैं, आप सारे लोग, मुझे पता है हमारे व्यूअर्स जो है वो मैच देख रहे होंगे, सारे अपने पॉइंट्स एंड ओपिनियंस नोट करके रखिएगा एंड ये चीज जो है हम लाइव सेशन में ये भी मैच डिस्कस करेंगे. उसके बाद जो है 7 बजे दूसरा मैच शुरू हो रहा है एंड दैट इज इंडिया वर्सेस श्रीलंका मेन और द सेकंड T20I. तो भाई सूर्य कुमार यादव ने अपने फर्स्ट मैच में मैजिक कर दिया, उनको मैन ऑफ द मैच भी मिल गया एंड फैंटास्टिक 58 रन्स थे. इनफैक्ट अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मर थे वो, थे रियान पराग. तो भाई रियान पराग ने बैटिंग में कुछ तो नहीं किया लेकिन बॉलिंग में थ्री विकेट्स उन्होंने ले लिए, सिर्फ 5 रन्स दिए एंड 7 बॉल्स ओनली ही बोल्ड. तो भाई एकदम फैंटास्टिक बॉलिंग परफॉर्मेंस थी, जिसका भी आइडिया था कि एंड के ओवर में रियान पराग को बॉलिंग दो थोड़ा, दैट रियली किक्ड ऑफ, वेदर इट वॉज गौतम गंभीर और वेदर इट वॉज सूर्य कुमार यादव, जिसका भी ये ब्रेन वेव आया था वो बिल्कुल बुल्स आई हिट कर गया एंड यू नो रियान पराग डिलीवर्ड एंड काफी ज्यादा अग्रेसिव भी हो गए थे वो. वैसे एज लॉन्ग एज यू शो अग्रेशन टू द ऑपोजिशन इट्स ऑल राइट. अपने टीम मेंबर्स एंड अपने यू नो पीयर ग्रुप के इंडियंस को अग्रेशन ना दिखाना, जो भी अग्रेशन आपको दिखानी है ऑपोजिट टीम को दिखाना, देन वी आर ऑल राइट विद इट. तो रियान पराग जी ने 3 विकेट्स ले लिए एंड के ओवर्स में आके, उन्होंने कमाल धमाल कर दिए एंड रियली रियली वेल डन. एंड सूर्य कुमार यादव को बहुत बधाई, गौतम गंभीर को बहुत बधाई. वैसे जिस हिसाब से 14-15 ओवर तक जो श्रीलंका थी वो 141 हो गई थी एंड लास्ट के 5.2 ओवर्स में उन्होंने 30 रन्स यू नो बना के 9 विकेट्स दे लॉस्ट. तो भाई वहाँ प्लॉट जो है चेंज हो गया. निसंका की विकेट जो अक्षर पटेल ने ली थी, दैट टर्न आउट टू बी द टर्निंग पॉइंट एंड वहाँ से थोड़ा इंडियंस ने अपने तरफ से को मैच खींचा. अदरवाइज ये मैच जो है वो हाथ से जाता जा रहा था. तो भाई ऐसे नहीं करना है, श्रीलंका छोटी मोटी टीम है, क्या करना है ऐसी टीम को. रिसर्जेंट है, आई नो नया कोच है, नया कैप्टन है, बट यू नो उनको एकदम डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दिखानी है एंड आज जो मैच है उसमें वन साइडेड जीतना है, ऐसा नहीं क्लोज मैचेस नहीं करने. हालांकि कल क्लोज मैच नहीं था, 43 रन से विक्ट्री आप क्लोज मैच बिल्कुल नहीं कहेंगे, बट शुरू जैसे हुआ था श्रीलंका की इनिंग्स एंड हम विकेट नहीं ले पाए थे इन द यू नो पावर प्ले एंड काफी टाइम तक, तो भाई बुमराह की कमी हमें काफी ज्यादा खल रही थी. बट ऐसा नहीं होना है, मियां मैजिक को अपने सिराज मोड में आना है एंड श्रीलंका वाले मोड में आना है एंड कुछ मैजिक दिखाना है राइट एट द स्टार्ट. तो भाई फील्डिंग भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, काफी कैचेस ड्रॉप थे, कुछ मुश्किल थे कुछ इजी थे. रवि बिश्नोई हैज टू फोकस ऑन हिज फील्डिंग एंड इंश्योर दैट वो बॉलिंग भी अच्छा करे एंड फील्डिंग
फील्डिंग भी. हार्दिक पांड्या हैज टू स्टेप अप इन बोलिंग एज वेल. कल वो 4 ओवर्स में 41 रन्स के लिए वो पिट गए एंड यू नो दैट इज रियली नॉट डन. एक भी विकेट उन्होंने नहीं ली. बैटिंग से भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं की हालांकि उनको ऊपर भेजा गया. तो भाई हार्दिक पांड्या हैज टू स्टेप अप हिज गेम बिकॉज वो तो भाई इंडिया के सबसे बेस्ट ऑलराउंडर है. इनफैक्ट वर्ल्ड के बेस्ट ऑलराउंडर्स में आते हैं. सो ही हैज टू रियली यू नो पुल अप हिज गेम नाउ. सो एनीवे ये दूसरा मैच होगा. तीसरा मैच भी चल रहा है एंड दैट इज इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज. तो भाई इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज में वेस्ट इंडीज जो कल एडवांटेज था आज वो डिसएडवांटेज में है. दे आर ट्रेलिंग बाय 61 रन्स एंड उनके ऑलरेडी 2 विकेट्स चले गए हैं. सो भाई 33-2 है. ट्रेल बाय 61 रन्स है तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड फॉर वेस्ट इंडीज. जैसे फर्स्ट 2 मैचेस में हुआ वैसे ही इस मैच में भी एडवांटेज की पोजीशन के आने के बावजूद आप अपना एडवांटेज खो गए एंड नाउ यू आर बैक टू स्क्वायर वन. यू आर बैक टू योर लूजिंग वेज. तो भाई आई डोंट थिंक देर इज एनी चांस फॉर वेस्ट इंडीज टू कम बैक. What I feel is that West Indies हालांकि final innings lead आज ले तो लेगी लेकिन it will be too small for England to make. तो मुझे ऐसा लग रहा है ये match आज ही खत्म होने की full chances है. In fact जब हम शाम को बैठे होंगे live बैठे होंगे आपके साथ तो ये match चल रहा होगा. Maybe ऐसा भी हो सकता है that you know हमारे देखते देखते ही ये match खत्म हो जाए. So we will watch this match along with you in our live session tonight. इसके अलावा एक और मैच चल रहा है दैट इज आयरलैंड वर्सेस जिम्बाब्वे. सो भाई आयरलैंड पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में आ गया था. उन्होंने जिम्बाब्वे को जल्दी आउट कर दिया था लेकिन सेकेंड इनिंग्स में जो है उनके बहुत सारे विकेट बहुत ज्यादा जल्दी चले गए. इनफैक्ट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दे वर 16-4. तो भाई अगर 16-4 होंगे तो अगर आपके सामने 100 का भी टारगेट होगा ना तो वो भी आपसे अचीव नहीं हो सकता. सो बेसिकली अभी 33-5 है एंड दे स्टिल हैव 125 रन्स टू मेक. तो भाई ऊपर के टॉप 5 नहीं बना पाए. आई डोंट नो नीचे के टॉप 5 क्या ही कर पाएंगे. तो यहाँ भी आयरलैंड की पोजीशन थोड़ी वीक लगती है. ये भी एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से आके आप एक पोजीशन ऑफ वीकनेस में घुस गए हैं. इनफैक्ट इन्होंने कुछ 41 रन्स की लीड ली थी फर्स्ट इनिंग्स में आयरिश ने लेकिन जिम्बाब्वे मेड अ कमबैक एंड उन्होंने सेकेंड इनिंग्स में जिस तरीके से फटाफट विकेट्स ली हैं दैट इज क्वाइट कमेंडेबल. तो भाई ये सारे मैचेस जो हैं आज के दिन 4 क्रिकेट मैचेस शेड्यूल्ड हैं एंड वी विल फॉलो अप दोज मैचेस. इनफैक्ट MLC का फाइनल भी शेड्यूल्ड है लेकिन दैट इज यू नो अर्ली मॉर्निंग टुमारो. तो भाई उसमें भी पैट कमिंस इज इन टू द फाइनल्स. तो भाई ट्रेविस हेड इज इन टू द फाइनल्स. तो हम देखेंगे कि उस मैच में क्या होता है. सो एनीवे इसके अलावा जो है पेरिस ओलंपिक्स में बहुत सारी आज इंडिया की अपडेट्स है. तो भाई आज इट हैज बीन अ गुड डे टू फॉर इंडिया स्टार्टिंग टुडे. हमारी जो एक शूटर है रमिता जिंदल शी इज 20 ईयर्स ओल्ड. तो रमिता जिंदल हैज क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स. कल इनका फाइनल खेला जाएगा. तो भाई अच्छा इनसे परफॉर्मेंस रही. मैनी कंग्रेचुलेशंस टू हर. बट एक और हमारी शूटर थी वो बहुत आगे लीड कर रही थी. 60 शॉट्स में से 58 शॉट्स उसके परफेक्ट थे लेकिन लास्ट शॉट जो था वो 9.8 करके वो आउट हो गई. तो वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर दैट. बट रमिता हैज क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स. पीवी सिंधु हैज वन हर मैच टुडे. फर्स्ट राउंड का मैच था वो आज जीत गई हैं. वैसे कल रात को मैं लेट नाइट ओलंपिक्स देख रही थी तो उसमें हमारी डबल्स की एक वुमेन्स की टीम जो है वो हार गई थी फर्स्ट राउंड में कोरिया से. बट आज जो है पीवी सिंधु हैज वन इन बैडमिंटन एंड शी इज थ्रू टू द सेकेंड राउंड. तो इसके अलावा जो है बलराज पवार जो है वो रोइंग में नेक्स्ट राउंड में पहुंच गए हैं. तो भाई रोइंग में भी हमारे को अच्छी खबर मिल गई है. सो वी विल ट्रैक ऑल 3 इवेंट्स फॉर इंडिया सिंस द मॉर्निंग हैव रिजल्टेड इन गुड यू नो रिजल्ट्स फॉर टीम इंडिया एंड वी विल कीप ऑन ट्रैकिंग टीम इंडिया फॉर जब तक. आज इनफैक्ट एक मेडल मैच भी होगा. जो कल शूटर जो थी उन्होंने क्वालिफाई किया था तो आज आई थिंक उनका फाइनल भी है तो हम वो भी ट्रैक करेंगे. सो एनीवे ये सारी जो हो गई मेजर अपडेट्स हैं मैचेस की एंड ओलंपिक्स की. इसके अलावा छोटी मोटी और खबरें हैं एंड दैट इज वसीम जाफर जो है काफी ज्यादा ट्विटर में एक्टिव रहते हैं. माइकल वॉन के साथ इनकी काफी खिटपिट चलती रहती है. तो इनको बोला जा रहा है कि ये पंजाब के कोच बन सकते हैं शायद आफ्टर बेलिस. तो बेलिस का कॉन्ट्रैक्ट पंजाब वालों ने खत्म कर दिया है एंड दे आर लुकिंग फॉर इंडियन कोच. तो वहां वसीम जाफर का नाम जो है वो सामने आ रहा है. इनफैक्ट वसीम जाफर जो है वो बांग्लादेश की अंडर 19 की टीम को कोचिंग करते थे एंड ही डिड अ गुड जॉब विद देम इनफैक्ट. एंड यू नो लेट्स सी ही हैज अ लॉट ऑफ ओपिनियंस वसीम जाफर. एंड वसीम जाफर का एक पॉजिटिव है कि वो डोमेस्टिक में इंडिया के डोमेस्टिक में अभी तक के हाईएस्ट रन स्कोरर है. तो दैट्स क्वाइट सरप्राइजिंग बिकॉज इंटरनेशनल में इनके बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स तो
नहीं है, बट इफ पंजाब वॉन्ट्स टू टैप इन टू वसीम जाफर्स एक्सपीरियंस देन यू नो देन दे आर आई थिंक राइटफुल टू डू सो. सो एनी वे वसीम जाफर इज गोइंग टू प्रोबेबली गेट दैट जॉब ऑफ पंजाब्स यू नो हेड कोच. इसके अलावा जो विमेंस का वर्ल्ड कप है बांग्लादेश में, उसके ऊपर आईसीसी अपनी कड़ी नज़र जो है वो जमाई हुई है. बिकॉज बांग्लादेश में आपको शायद पता होगा, नहीं भी पता है तो मैं अपडेट कर रही हूँ कि बांग्लादेश में जो है काफ़ी ज़्यादा अनरेस्ट चल रहा है एंड यू नो पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है, जिस वजह से आईसीसी थोड़ा वरीड है वेदर दे आर यू नो दे विल बी एबल टू कंडक्ट द विमेंस वर्ल्ड कप और नॉट. बट बीसीबी जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने अश्योरेंस दी है आईसीसी को दैट वी आर हैंडलिंग द सिचुएशन एंड हम प्रिपरेशंस में और वर्ल्ड कप में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आने देंगे. बट देखिए विमेन है एंड सिक्योरिटी है एंड विमेन सिक्योरिटी इज लाइक द नंबर वन थिंग फॉर एनी ऑफ अस. तो भाई आई डोंट नो टिल द सिचुएशन इज 100% नॉर्मल, मुझे नहीं लगता कि किसी को बांग्लादेश विजिट करना चाहिए. तो भाई सिर्फ अश्योरेंस से नहीं होगा, सिचुएशन को जो है स्टेबलाइज होना पड़ेगा एंड देन ओनली द वुमेन शुड गो देयर. सो आईसीसी को इस चीज़ पे सोचना चाहिए दैट यू नो कोई ऐसे अनटॉवर्ड इंसिडेंट ना हो जाए कोई फैंस की तरफ से. तो इस चीज़ को सीरियसली दे शुड थिंक अबाउट दिस. सो एनी वे डॉटिन जो है विमेंस की जो प्लेयर है शी हैज टेकन बैक हर रिटायरमेंट एंड डॉटिन हैज कम बैक फॉर द T20 वर्ल्ड कप. तो ओनली फॉर द T20 वर्ल्ड कप डॉटिन जो है उन्होंने अपनी रिटायरमेंट वापस ले लिया एंड विमेंस का T20 वर्ल्ड कप शुरू होगा, वो उनमें खेलेंगी, उनमें दिखेंगी एंड देन उसके बाद आराम प्यार से दोबारा से रिटायर हो जाएंगी. सो एनी वे चलिए ऑल द बेस्ट टू यू डॉटिन, आपने डिसीजन लिया है फॉर योर कंट्री फॉर योर टीम, सो दैट इज अ गुड डिसीजन. सो एनी वे दैट इज इट फॉर द वीडियो नाउ. और सारे मैचेस जो है इंडिया के दो मैचेस हैं मेंस एंड वुमेन्स बोथ अगेंस्ट श्रीलंका, वो भी आप वॉच करिएगा. पैलेस ओलंपिक्स में अपनी आंखें रखिएगा, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज पे फॉलो करिएगा, जिम्बाब्वे आयरलैंड में फॉलो करिएगा. तो बहुत सारे मैचेस हो रहे हैं, वो सारे हम फॉलो करेंगे एंड सब के बारे में हम आज रात को जब हमारा लाइव शो होगा तब हम उसके बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे. सो भाई प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई होप आपका संडे आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ अच्छा गुजर रहा होगा. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द इवनिंग. गुड बाय एंड टेक केयर.